बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सलीम हबीब स्कूल। इट्स आर साइंस क्लास एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम योर नोट्स। प्लीज ओपन योर नोट्स एंड बुक इन फ्रंट ऑफ यू, पेज नंबर 23 ऑफ योर बुक। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम नोट्स। क्वेश्चन नंबर 11, राइट द रोल ऑफ ब्रेन इन कैरिंग आउट कोऑर्डिनेशन इन बॉडी। आपने ब्रेन का रोल लिखना है बॉडी के कोऑर्डिनेशन में, क्या रोल है ब्रेन का। आपको पता है ब्रेन हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो उसके दो मेन पार्ट आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन इज द मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं, अब ब्रेन किससे मिलकर बनाता है, न्यूरॉन से, नर्व सेल से, जो कि नर्वस सिस्टम का पार्ट है। नर्वस सिस्टम के हमने लास्ट चैप्टर में देखे थे, टू टाइप्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स या सेंसरी नर्व्स या एंड मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स का फंक्शन होते हैं सेंस ऑर्गन से या मसल से मैसेज लेके जाना ब्रेन तक। इट कैरी मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन और मसल्स टू द ब्रेन। ब्रेन तक मैसेज लेके जाना, ब्रेन को इन्फॉर्म करना कि बॉडी में ये वाली चेंजिंग हो रही है। ब्रेन फौरन बैक मैसेज भेजेगा किसके थ्रू, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। ब्रेन ने क्या करना है, रिस्पॉन्स देना है। सपोज हमारा हैंड किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर गए तो फौरन इस जगह पे जो न्यूरॉन्स होंगे, नर्व सेल्स होंगे, वो मैसेज क्या करेंगे, ब्रेन तक लेके जाएंगे। उन न्यूरॉन्स को बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स। ब्रेन को बताया ना जाके कि फिंगर किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किए, ब्रेन फौरन बैक मैसेज भेजेगा कि अपने फिंगर को पुल बैक करें, पीछे खींचें। ये जो ब्रेन से मैसेज सेंस ऑर्गन तक आया वापस या मसल्स तक आया, वो किसके थ्रू आएगा, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। इन दिस वे ब्रेन कैरी आउट कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बॉडी। ओके, मैसेज को इवन सेकेंड से भी कम टाइम में मैसेज ब्रेन तक पहुँच रहे हैं और वापस रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। इन दिस वे ब्रेन कैरी आउट कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बॉडी। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन इज, व्हाट आर डेंड्राइट्स। क्वेश्चन नंबर 12 है डेंड्राइट्स। लास्ट चैप्टर में भी हमने न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर देखा था, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 इसमें कवर हो जाएंगे। ये है एक नर्व सेल का स्ट्रक्चर जिससे मिलके ब्रेन बनता है, पूरा नर्वस सिस्टम बनते हैं। इसमें ये होती है मेन सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस है जो कि पूरी सेल्स इस नर्व सेल को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अगर पूरी बॉडी की बात करें तो पूरी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है हमारा ब्रेन। अगर एक सिंगल सेल की बात करें, उसका कंट्रोल सेंटर क्या है, न्यूक्लियस। इसने सेल की सारी एक्टिविटीज को क्या करना है, कंट्रोल करना है। ये न्यूक्लियस है, ये पूरी सेल बॉडी है। सेल बॉडी की बात करके लॉन्ग थिन ब्रांचेस होती हैं। ये ब्रांचेस क्या है, डेंड्राइट्स हैं। ये क्या है, डेंड्राइट्स। इस जगह पे मैसेज क्या रिसीव होते हैं बॉडी को। अगर सपोज मैंने आपको बताया कि हॉट ऑब्जेक्ट को मेरा हाथ लगे, इन डेंड्राइट्स के थ्रू मैसेज क्या होगा, ब्रेन तक पहुंचेगा। अंडरस्टैंड। डेंड्राइट से हमें चीज फील होगी, इधर मैसेज क्या होगा, पहुंचेगा इधर से मैसेज हमें। डेंड्राइट्स के थ्रू मैसेज, ये जो पोर्शन होता है, ये जो कॉर्ड बना होता है लॉन्ग कॉर्ड, ये चीज, ये क्या है, एक्सॉन। ये भी क्या है, लॉन्ग ब्रांच है। इसने मैसेज को क्या करना है, नर्व सेल से दूर लेके जाना है। नर्व सेल से सेंसिटिव है, उन्होंने मैसेज को फील किया, किसी स्टिमुलाई को फील किया, जो चीज़ टच की उस स्टिमुलाई को फील किया, उस मैसेज को इस एक्सॉन के थ्रू इधर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के पास आएगा। ये है नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग से क्या होगा, इधर से नेक्स्ट नर्व्स अटैच हो गए, सेम इसी तरह के नर्व इसके साथ अटैच हो गए। मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स इस तरह एक दूसरे के साथ अटैच होकर एक पैसेज बना लेते हैं जो कि ब्रेन तक मैसेज लेके जाते हैं। अदरवाइज अगर एक न्यूरॉन को काम करना पड़े तो इट विल टेक टाइम कि वो ब्रेन तक मैसेज लेके जाए, वापस लेके जाए। एक इन्होंने क्या कर लेते हैं, न्यूरॉन्स ज्वाइन होकर एक पूरा पैसेज बना लेते हैं जो कि सेंस ऑर्गन से मैसेज को लेके जाते हैं ब्रेन तक, और वापस क्या करते हैं, ब्रेन से वापस सेंस ऑर्गन या मसल तक लेके आते हैं। अंडरस्टैंड। ये पोर्शन है डेंड्राइट्स जो कि सेंस करते हैं मैसेज को, और एक्सॉन के ये लॉन्ग ब्रांच है, इसकी इतनी शीट होती है प्रोटेक्टिव कवरिंग शीट, वो क्या करती है, इस चीज़ को प्रोटेक्ट करती है नर्व सेल्स को किसी भी डैमेज से, एक्सॉन। और इससे क्या होता है, मैसेज अवे फ्रॉम न्यूरॉन्स जाते हैं, न्यूरॉन्स से दूसरी न्यूरॉन्स तक मैसेज इसके थ्रू जाते हैं। अंडरस्टैंड।
Okay, question number 12. What are dendrites? The long, thin branches extending from nerve cells are called dendrites. They take in messages from other cells. वो दूसरे सेल से क्या करते हैं? मैसेज को लेते हैं. Understand? Next question number 13 is, what are axons? There is a long branch that carry messages away from nerve cells. ये nerve cells से away लेके जाते हैं मैसेज को. This branch is called axon. इस पूरी branch को क्या बोलते हैं? Axon. Understand? And now question number 14 is, what is spinal cord? Spinal cord क्या है? In the very start of this lecture, मैंने आपको बताया था central nervous system के दो main part हैं, brain and spinal cord. Central nervous system का function ही है कि पूरी body को control करना, पूरी body में एक coordination लेके आना, एक दूसरे के साथ interlink करना. ये नहीं है कि body के एक part को damage हो जाए, दूसरा part relax बैठो. No, किसी भी body के एक part में कोई भी damage होता है, injury होती है, पूरी body को पता चलता है कि किसी पार्ट पे इंजरी है, हमें पेन फील होती है. इट मीन्स कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन है. अंडरस्टैंड? ओके, स्पाइनल कॉर्ड है, ये भी एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है. ये हमारे बिल्कुल जहाँ इधर से हेड हमारा एंड होते हैं, इस जगह से ब्रेन के साथ अटैच होती हैं. ये भी क्या है? बंडल ऑफ नर्व्स हैं. सिंपली ब्रेन भी क्या है? नर्व सेल से मिलकर बना है. स्पाइनल कॉर्ड क्या है? ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है. ये भी क्या है? नर्व सेल से मिलकर बनी है. इसमें क्या होते हैं? बंडल ऑफ नर्व सेल्स होते हैं जो कि बैकबोन में रन करते हैं. हमारी बैकबोन्स में जो वर्टिब्री होते हैं उनमें रन करते हैं ये. इसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड. इसका मेन फंक्शन भी किसी भी पूरी बॉडी में कोऑर्डिनेशन लेके आना और मैसेज को रिसीव करना और उनका बैक रिस्पॉन्स करना. अंडरस्टैंड? ये इस जगह से हमारे हेड जहाँ एंड हो रहे हैं इधर आके ब्रेन के साथ क्या होती हैं? अटैच होती हैं और हमारी बैकबोन में रन करती हैं, बैकबोन में गुजरती हैं जैसे. इसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड. Understand, students? That's all about today's lecture. If you have any confusion about this lecture, you can ask me. Thank you so much. Allah Hafiz.